Why should we hire you? The most tricky question always asked in interview. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, still you are looking for the right answer. But what is the best answer? What is the reason behind this question? The answer will be given in this video. Hello friends, welcome back to Curious Gate. जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. आप तुरंत अपना फोन निकालते हैं, गूगल और यूट्यूब पे सर्च करते हैं, Why should we hire you? आप उस आर्टिकल या वीडियो को देखते हैं जो टॉप पर होते हैं या जिनके व्यूज बहुत हाईली होते हैं. फिर आप उस आर्टिकल को अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं और इंटरव्यू के दौरान आप एचआर को अपनी प्रिपेयर की हुई आंसर सुना देते हैं. देन यू थिंक यू डिड द बेस्ट बट एक्चुअल ओनली एचआर नोट, क्योंकि जो वीडियो आपने देखी और जो आर्टिकल पढ़ी थी वो बहुत से लोगों ने पढ़ी थी. मे बी आप पहली या दूसरी बार या तीसरी बार इंटरव्यू दे रहे होते हैं, बट एचआर पता नहीं कितने इंटरव्यू ले चुका होता है और सिलेक्ट वही होता है जो जॉब के लिए सबसे सुटेबल होता है. एक्चुअली में किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए दो टाइप के लोग जाते हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस, सेकंड फ्रेशर. एक्सपीरियंस लोग 90% बैटल यूं ही जीत जाते हैं, उन्हें ओनली 10% डिफिकल्ट होता है. हैव टू प्रूव देम दे आर बेटर देन अदर्स. एक्सपीरियंस लोगों ने एचआर देखा होता है, उन्होंने कंपनी का पूरा प्रोसेस देखा होता है, उन्होंने इंटरव्यू पहले भी फेस किया होता है. बट फ्रेशर बहुत ही फ्रेशर होते हैं. जब भी वो कोई इंटरव्यू देना होता है तो वो बहुत सा रिसर्च करके जाते हैं, लाइक क्या पहनना है, क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है, मेरी हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए, मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सो मेनी थिंग्स. इतना सब रिसर्च करने के बाद फ्रेशर्स अपना फोकस खोने लगते हैं, जिसके कारण वो गलती कर बैठते हैं. और वहीं एक्सपीरियंस लोग प्रिपेयर करके जाते हैं कंपनी के बारे में, कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी दे आर फाइंडिंग इन द कैंडिडेट. लेकिन जब फ्रेशर्स किसी कंपनी में एंटर करते हैं, तो एंटर करने के साथ ही उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, लाइक अरे यार यहाँ पर ऑलरेडी बहुत से स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं, मेरा नहीं हो पाएगा, लाइक मेरे को कोई काम पे क्यों रखेगा, मेरे पास तो कोई अच्छी क्वालिफिकेशन भी नहीं है. भाई कंपनी बहुत बड़ी लग रही है. एक्चुअली में वाई शुड बी हायर यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाउ टू सेल योर सेल्फ. आप कितना अच्छा अपने आप को एचआर को बेच पाते हैं. यहाँ पर इंटरव्यूअर सिर्फ यही चेक करता है कि आप अपने आप को कैसे फिट कर पाते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग. यहाँ पर आपको अपने स्किल को शो करना पड़ता है कि आप बहुत ही परफेक्ट हैं इस जॉब प्रोफाइल के लिए. लाइक आई हैव सम एग्जाम्पल फॉर यू. सपोज दैट एक्सपीरियंस व्हेन ही गिव्स इंटरव्यू, Honestly, I possess all the skill and experience that I am looking for. I am pretty confident that I am the best for the job role. It's not just my background in the past project, but also my people skills, which will be applicable in this position. On the other hand, I am the self-motivated person, and I try to exceed my superior expectation with high quality work. Being a fast learner, I quickly pick up business knowledge and related to my work. Guys, आप यहाँ पर इस बंदे का confidence देख सकते हो. यहाँ पर कैसे इस बंदे ने एम्फेसाइज किया है कि उसने क्या क्या सीखा है और वो कितना इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए. यहाँ पर इसने अपने पिछले काम को ऐड किया है और ये एड करके दिखाया है कि उसने अपने स्किल को कितना मजबूत किया है. एक्चुअली ही सॉल्व हिज सेल्फ टू एचआर इन अ ग्रेट वे. नाउ लेट्स टेक द लुक ऑफ एग्जाम्पल फॉर फ्रेशर. एज आई एम अ फ्रेशर, आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, बट आई स्ट्रांगली बिलीव दैट आई एम मच कैपेबल इन गिविंग सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, which will surely place company at the top 5 in the market. For the long time I was trying to get into this company, but just how I got this chance, I can assure you that I will try to focus on company visions, goal and things that can become a reason of company success. If I get this employment, I will surely apply newly obtained skills thought for the company benefit. I will certainly become a superb team player quickly, and I'll try to understand the work culture. I will never cross the deadline of the assigned work. यहाँ पर फ्रेशर ने अपनी क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस किया है, उसने अपने स्किल्स को एक्सप्रेस किया है. पता चलेगा गैस, अगर आप इस इंटरव्यू को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कैंडिडेट्स ने अपनी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ को दिखा रहे हैं. हाउ ही हैज़ कॉन्फिडेंस विद हिज स्किल एंड एक्सपेक्टेशन. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएँ तो अपनी स्किल की एक पिच तैयार करके जाएँ, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि आप दूसरों से डिफरेंट हैं.
गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप इस चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद।